आपको जो पेन और कागज़ दिया है तो उसमें आपको जो भी कंप्लेंट है, सजेशंस है, जो भी लगता है आपको, आप मुझे बिल्कुल बेफिक्र होके लिख सकते हैं। विदाउट नाम लिखना है, अब अगर ऐसे कुछ बोलना है डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, अगर आपको पब्लिकली नहीं बोलना है तो विदाउट नाम आप लिख लो, 5 मिनट ले लो, बच्चे भी लिख लो, स्टूडेंट्स भी लिख लो, और दिल से लिखो, ठीक है, दिल से लिखो, कोई इशू नहीं है। तो वो लिख के मुझे दो, उसका अपन अभी के अभी क्लैरिटी ऑफ थॉट देते, अपन सब कम्युनिकेट कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट रहना है अपने को, ठीक है। तो 5 मिनट ले लो, आप लिख लो सब। खाने पीने का इम्पोर्टेंस बताना चाहिए बच्चों को, छोटे बच्चे जल्दी लेते नहीं दिमाग। खाने पीने का जैसे धीरे धीरे कैसे धीरे धीरे खाने पीने का इम्पोर्टेंस मतलब बताते ही अपन ग्राउंड पे। और कैसा है, जो छोटे बच्चे हैं ना, ओवरनाइट नहीं चेंज होते उन धीरे धीरे, पर वो उनको सब जब समझ में आता है कि आगे वाला ये बाजू में क्या कर रहा है, इतना ताकत से क्यों मार रहा है, शॉट मार रहा है, उसका पावर क्यों पूर रहा है, जब रनिंग करते हैं तो उसका स्टेमिना क्यों ज़्यादा है, वो धीरे धीरे जिनको पता चल जाता है तो वो अपने आप उनको समझ में आता है। मैं भी पहले डाइट अच्छे से फॉलो नहीं करता था, पर मुझे समझ में आ गया कि वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्रिकेटिंग लाइफ, और क्रिकेटिंग ही नहीं, जस्ट मतलब नॉर्मल में ही हेल्थ ज़रूरी है। तो वो धीरे धीरे फॉलो करने लग गए। और कोई भी चीज़ अपन थोप नहीं सकते, लेट इट बी ग्रेजुअल प्रोसेस। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है कि अपन मतलब एकदम थोपने की कोशिश करते तो उसमें भी नॉट अ गुड थिंग। धीरे 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 धीरे, जस्ट कभी कभी टफ रहना पड़ता, कभी रिलैक्स रहना पड़ता, कोई टफ से सुनता है, कोई रिलैक्स होके सुनता है, तो वो तरीके से अपने को हैंडल करना आना चाहिए। फैमिली में अपने पास भी उतना पेशेंस रहने को ना, मेरे पास भी इतना पेशेंस अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, एंड आई एम ट्राइंग, आई एम स्टिल ट्राइंग कि पेशेंस डेवलप करो।